एक गाने की बहुत ज़्यादा फरमाइश आई हुई है, यानी इतनी ज़्यादा फरमाइश आई है कि मैं नाम भूल गया लोगों के, इतनी ज़्यादा, जितने लोग वो कह बहुत रहे हैं कि ज़्यादा, जरूर। बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं कि आप जिस तरह के गाने सुनना चाहते हैं ना, ये उन्हीं उसी में से एक यानी कि गाना है, और है भी आपके फेवरेट सिंगर का, तो सरताज वो तो हो का गई बहुत अच्छा बेटा। उम्मीद है। तो क्योंकि उनके बहुत मीठे मीठे, बहुत मज़ेदार गाने होते हैं। तो उसके गाने सुनते हुए ऐसे लगता है जैसे हम रसगुल्ले खा रहे रसगुल्ले खा रहे हैं, और ये हैं, मुंह लगता, मीठा हो ऐसा जाता लगता है कि जैसे हम पुराने ज़माने में चले गए, है। हाँ जमाना भी है ना? बिल्कुल ऐसा लगता वही वो यानी कि लाचा वगैरह पहना हुआ है, और लाचा होता था, क्या होता था, गड्ढा सा है। हाथ में पकड़ लिया है, वो खुसा पहन चलो लिया है, गाना तो दिखाओ और वो ना। क्या वो होती थी, धोती हाँ बांध ली है, वो क्या होती थी, वो गानी हाँ है, कैंठा कैंटा, कैंटा गले में। डाल लिया हाँ गले में, और सदा जट बन गए पूरे। तो गाने का नाम है रसीद। अब ये देखते हैं कि कौन सी रसीद है ये, और आर्टिस्ट है सत्येंद्र सरताज। तो चेक करते हैं गाना कैसा है। ऐसा लाचा ही होता था ना, या मैं गलत कह गया था? ठीक है। सलाम, मौंदा जस्तजू सरजमीन मौलाना रूमी हस्ता। फारसी फारसी बोल। बोल रहे हैं? हाँ मौलाना रूमी का वो बता रहे हाँ, हैं। शुक्रन। शुक्रन तो अरबी है। अरबी है गलत, वो हाँ थोड़ा मिक्स कर गया। हाँ, अरबी फारसी सब अच्छा तशक्कुर कहना चाहिए बात था। है। मौलाना रूमी का मजार आ गया। वाह वाह। ये वही वो नजर लगने के लिए जो होता है वो लटके में वो तुर्की में होते हैं ना। लटके में वाह वाह वो आ गया रक्से दरवेश। ऐसी आशिकी करी सरताज शायरा, कोई हैरान होवे ते कुर्बान वाह होवे। वाह ऐसी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इश्क बाजार दी रीत वे की लखा सावाए ते रसीद कोई वाह ना। जिने इस जहान विच पैर पाया ओदी वमी कोई ना, ओदी ईद कोई वाह ना। इश्क जेही आसान कोई शै भी नहीं, इश्क जेहा मुश्किल ते शदीद कोई ना। वाह ओए तू अंदर ओई लब सरताज शायरा, छड़ बारों मिलन दी उम्मीद कोई ना। वाह वाह बांसुरी है। हम्म, वाह म्यूजिक कितना जबरदस्त दिया इसने। ਸੱਚ ਮੁੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸੀਏ ਜੀ, ਕਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗਾਈਏ ਦਸਮ ਸਾਰੀ, ਕਦੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸੀਏ ਜੀ। ਕਹੀ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਾਇਰਾ, ਮਹਿਰਮ ਜਿਵੇਂ ਆਖੇ ਵਾਹ ਉਵੇਂ ਵਸੀਏ ਵਾਹ ਜੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ
ਦੱਸਦਾ पंजाबी शायरी में उर्दू के कितने खूबसूरत लफ्ज लेके आते हैं। दिल की गारी, दिल भरी, वाह वाह। दूर दिसदा वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। बहुत जबरदस्त, मुझे तो लगता है इसके अंदर भी कोई सूफी है सतिंदर सरताज की, क्योंकि ऐसी शायरी जो लिखी जाती है वो सूफिया ही लिख सकते हैं। और खूबसूरत इल्हामी शायरी है, इल्हामी जो शायरी और वीडियो, फिर वीडियो भी इतनी जबरदस्त बना ली, फिर उसके और मेरे ख्याल म्यूजिक, उसके साथ जो म्यूजिक है, मैं ये सुनते हुए ना ये सोच रहा था कि एंड पे ये बात करूंगा कि जितने भी आजकल जितने भी यानी कि आर्टिस्ट समझते हैं ना अपने आप को कि बहुत बड़े वो लिखारी हैं और बहुत बड़े शायर हैं, तो वो एक ऐसा गाना लिख के दिखाएं, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो आपने भी बात कर दी है ना वो इस तरह के लिख ही नहीं सकते, क्योंकि ये गाना ये भी नहीं लिख सकता, ये आया ही है, ये इल्हाम ही हो सकता है इसको जो वो बना गया गाना, ये वाकई ये इंसान लिख नहीं सकता। जैसे वो बटालवी जो आप कहती हैं कि बड़ा हाशिफ बटालवी, उसकी शायरी भी आज तक जो है वो इसलिए रूह को टच करती है क्योंकि वो भी वो उसकी छोटी सी उम्र में उससे लिखाई गई है, अल्लाह ताला ने या जो इनके जो भेजा था ना, जो चीजें वदियत की जाती है वो उनमें से। तो ये रसीद जिसने भी फरमाइश की थी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, इतना खूबसूरत गाना हम चाहे कभी ना सुन सकते देख सकते। और सतिंदर सरताज हजारों साल जियो, तो ये दुआ, लंबी उम्र हो आपकी और आप इस तरह के और गाने बनाते रहें, क्योंकि ये चीज वाकई मिसिंग है अब हर जगह से, यानी ये ज्यादा चाहिए। इसमें उसका इल्म भी नजर आता है ना, उस फारसी उर्दू वो चीज तो है, लेकिन ये वाला जो जॉनर है, ये गाना, ये जो सिंगिंग है, ये असल में खत्म होती जा रही है क्योंकि ये इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हो रही, इसकी जरूरत है और इसकी ज्यादा जरूरत है, सूफियाना कलाम की ज्यादा जरूरत है, और ये असल सिंगिंग है, ये है जो वाकई रूह को। मैं इस वक्त बिल्कुल यानी कि मेरा दिल, मैं आप बात करने का भी दिल नहीं है, मेरा दिल है कि बस आप मैं वीडियो बंद करूँ, मैं इसको दोबारा लगाऊँ और सुनूँ, मैं वो जाऊँ कहीं पे बस आराम सुकून से कहीं पे यानी कि आराम से हेडफोन लगाऊँ और इसको सुनता रहूँ, घंटों सुनता रहूँ। जो आजकल वैसे गाने आते हैं वो एक दफ़ा सुना, दो दफ़ा सुना, उसके बाद उनका दिल ही नहीं करता, ये ऐसी है कि मैं उसको रिपीट पर लगाऊँ, सो भी जाऊँ शायद सुनते सुनते, यानी कि इसको रूह को तस्कीन देने वाली चीज़ जिसे कहते हैं, मज़ा आता है। तो खैर ये था गाना रसीद गाना था, और सतिंदर सरताज एक दफ़ा फिर उन्होंने बहुत खूबसूरत गाना और बहुत ज़बरदस्त गाया और म्यूज़िक दिया ज़बरदस्त। हाँ तो खैर ये थी हमारा रिएक्शन वीडियो, और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करें और बताएं हमें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। हम मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, रब रख, अल्लाह हाफिज़।